चुनाव आने से पहले चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस ने अभी तक किसी भी प्रत्याशी का टिकट की घोषणा नहीं की है, लेकिन धर्मशाला में सुधीर शर्मा ने अपना चुनावी प्रचार शुरू कर दिया है। धर्मशाला में पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें धर्मशाला में कांग्रेस चुनाव कैसे जीतेगी इस बात को लेकर कई प्रकार की रणनीतियां तैयार की गई। सुधीर शर्मा ने धर्मशाला में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज देर रात तक कांग्रेस हाईकमान अधिकांश प्रत्याशियों की सूची जारी कर देगी और जो उम्मीदवार चुनाव जीतने की क्षमता रखते हैं उन्हें पार्टी टिकट दे रही है। वो कांग्रेस की विचारधारा को हो चाहे वह किसी के साथ भी रहता हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस बार मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में मिशन भी रिपीट कर रही है, जो कि इस बार नया इतिहास होगा। धर्मशाला की जनता ही तय करेगी कि कांग्रेस पार्टी को वोट क्यों देना है, क्योंकि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में पिछले 5 सालों में कितना विकास यहां पर हुआ है वो सब जनता की आंखों के सामने है और कांग्रेस धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र में मजबूत है। जो हमारे पार्टी के पदाधिकारी है धर्मशाला के, उनको आज यहाँ बुलाया है कि आगे अब किस प्रकार से चुनाव प्रचार अभियान जो है उसको चलाया जाए, तो सबके साथ आज विचार विमर्श करके चुनाव की जो रूपरेखा है उसको बनाया जाएगा। क्योंकि आज रात तक आज देर रात तक जो है मुझे लगता है कि अधिकांश जो टिकट है उनके ऊपर पार्टी हाईकमान अंतिम निर्णय लेंगे। वहीं सुधीर शर्मा ने कहा कि मेरा मुकाबला पिछली बार भी भाजपा के दिग्गज नेता के साथ था और तब भी कांग्रेस ने जीत हासिल की थी और इस बार भी मैं किसी को चुनौती नहीं मानता हूं क्योंकि धर्मशाला की जनता मेरे साथ है। मुख्यमंत्री और कांग्रेस चीफ सुखविंदर सिंह सुक्खू के बीच कोई भी तकरार नहीं है। अभी हाल ही में दिल्ली में 2 बैठकें हुई जिनमें आपसी सहमति बनी है और दोनों की आपसी तालमेल से पार्टी टिकटों का आवंटन कर रही है। कांग्रेस पार्टी में बागी होकर भाजपा में जा रहे कांग्रेसी नेताओं को लेकर सुधीर शर्मा ने कहा कि हो सकता है कि अपनी हताशा के कारण ये लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हों। अभी तो 18 दिसंबर को चुनाव परिणाम आ जाएंगे तो पता चल जाएगा। कोई तकरार नहीं, कल की हमारी जो 2 मीटिंग हुई है उसमें आपसी तालमेल के साथ ही निर्णय लिया जा रहा है और जो जीतने वाले उम्मीदवार हैं चाहे वो किसी भी के साथ हो या किसी के साथ ना भी हो, कांग्रेसी विचारधारा के जो लोग हैं वो जीत सकते हैं, उन्हीं को पार्टी टिकट देगी। हो सकता है कि अपनी हताशा के कारण जा रहे हो, अभी 18 दिसंबर को चुनाव परिणाम आएंगे तो सामने आ जाएगा, ये उनका उनकी पार्टी का आंतरिक मामला है, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। देखिए चुनाव चुनाव ही होता है और पिछली बार भी उनके साथ मुकाबला हुआ था, इसमें कांग्रेस यहां से विजय हुई थी। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से इन 5 वर्षों में यहां पर विकास के कार्य हुए हैं धर्मशाला में, कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, वो भारतीय जनता पार्टी तय करे या कोई दूसरे दल के लोग होंगे, आजाद खड़े होंगे, प्रजातंत्र है उसमें सभी को अधिकार है चुनाव लड़ने का। कांग्रेस वापस सत्ता में आएगी, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछली बार जो सीटें कांग्रेस को प्राप्त हुई थी इस बार उससे कहीं ज्यादा सीटें कांग्रेस जीतेगी।